बुरहान वानी की दूसरी बरसी पर आज घाटी में तनावपूर्ण माहौल। श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों ने लगाई रोक। कुलगाम में सेना की गोली से 3 पत्थरबाजों की मौत के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए रोकी गई इंटरनेट सेवा। तराल में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त, सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मोर्चा। जम्मू के भागवती नगर कैंप से नहीं निकला अमरनाथ यात्रियों का जत्था, कल निकले जत्थे को रामबन में रोका गया। अब बालटाल मार्ग के जरिए भी श्रद्धालु कर पाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। भूस्खलन की वजह से बंद पड़े रास्ते से हटाया गया मलबा। अमरनाथ यात्रा के बाद बीजेपी बना सकती है सरकार। महबूबा ने कहा, बीजेपी ने अगर तोड़ा पीडीपी को तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उठ जाएगा लोकतंत्र से विश्वास। इरफान पठान जम्मू कश्मीर के युवाओं को देंगे क्रिकेटर बनने का मंत्र। कई जिले में शुरू करेंगे क्रिकेट क्लिनिक। आतंकी संगठन लश्कर में शामिल हुए डोडा के युवा से उसके परिवार ने आतंक छोड़कर घर लौटने का किया अपील। सोशल मीडिया के जरिए आबिद हुसैन भट्ट का लश्कर में शामिल होने की खबर आई थी सामने। जम्मू के लोगों को बुधवार को मिल सकती है गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने लगाया अनुमान। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन का दिखा असर। बुरहान वानी के दूसरे बरसी पर मुट्ठी भर जमा हुए प्रदर्शनकारी, लगाए भारत विरोधी नारे। पाकिस्तान।